मेरी स्पीड नहीं थी, मैं ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया, इंडिपेंडेंट था, घर पे डिपेंडेंसी मेरी नहीं थी, मैं अपनी अर्निंग भी करता था। एंड में मुझे पता चला कि स्पॉट राउंड कोई करा ही नहीं रहा है, कुछ और पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। चलिए एक और निम से 22 के टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 195 है, देवेश, जो कि लखनऊ से हैं और देवेश को एनआईटी वारंगल अलॉट हुआ। तो देवेश सबसे पहले तो एनआईटी वारंगल और इतनी अच्छी रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और देवेश के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि देवेश की आप सक्सेस स्टोरी सुनेंगे तो काफी कुछ चीजें सीखेंगे, क्योंकि इनका ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था, काफी फाइट की और काफी अलग ड्रीम है। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि मैंने एक साल क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है, कि ये जो सोचता है वो करेगा जरूर, चाहे टाइम भले ही लगे। तो देवेश आपकी जो इंटायर जर्नी है मैं चाहूंगा आप बताएं डिटेल में, क्योंकि कई लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो आपकी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखेंगे। जी सर। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ देवेश गुप्ता एंड मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 195 है और मुझे अभी एनआईटी वारंगल अलॉट हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा मेरी जो नेमसेट की जर्नी है वो बहुत लॉन्ग है ना, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में तो एमसीए के बारे में पता भी नहीं था और उसके बाद एनआईटी से होता है ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर नहीं थी। और मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली में कंप्यूटर में ग्रेजुएशन में जगह, क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो सब्जेक्ट था वो मुझे ग्रेजुएशन में ही मिला था। उससे पहले मैंने कंप्यूटर ऐसे अलग से नहीं पढ़ा था, बेसिक कोर्सेज किए थे, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज था बस। जब लैंग्वेजेज मैंने सीखी सी सी प्लस प्लस जावा, तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी हुआ कि मुझे इसमें कुछ आगे करना है। तो लास्ट ईयर जब मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, उस समय मुझे एमसीए के बारे में पता चला और निमसेट के बारे में भी पता चला, और उसके बाद निमसेट मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे अब ये करना है। लेकिन उतना हमें टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे पास ग्रेजुएशन का सिलेबस भी था काफ़ी और वो भी कवर हमें करना था, तो उसके साथ साथ प्रिपरेशन करना। और लास्ट टाइम मैंने थोड़ा बहुत उसका देखा था जो सिलेबस था, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे थे थोड़े बहुत, एंड उसके बेसिस पर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और थोड़ा बहुत प्रिपरेशन के बाद मैंने फॉर्म भर दिया था, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। लेकिन 2019 का जो पेपर था वो टफेस्ट था अभी तक के जो निमसेट की हिस्ट्री में, उसमें सबसे टफेस्ट पेपर था। मैंने पेपर दिया बट मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। मेरा सेंटर भी ट्रिची गया था, तो उस समय क्योंकि मैं बैंगलोर में था तो मैंने ट्रिची सेंटर डाला था, तो उस समय मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने चेक भी नहीं किया कि मेरा रैंक क्या है। तो उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया एक साल का, और कोविड आ गया 2020 में मार्च में, लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से पोस्टपोनमेंट भी हुए। लेकिन ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन तो मेरी थी, कॉन्सेप्ट भी मैंने बनाया था, काफ़ी बुक्स वगैरह सॉल्व किए थे मैंने, और सर के मटेरियल्स यूट्यूब से मैं जुड़ भी गया था उस समय, तो सर के मटेरियल्स भी थे। और सर का फास्ट ट्रैक कोर्स जो कि जनवरी में स्टार्ट हुआ था उस समय 2020 में, वो मैंने ज्वाइन किया था। वो ज्वाइन करने के बाद मेरी प्रिपरेशन एक ट्रैक पे थी, बट जब एग्ज़ाम हुआ उसका, तो एग्ज़ाम होने पर मेरी स्पीड और कॉन्सेप्ट वगैरह तो ठीक थे, बस स्पीड में प्रॉब्लम थी। मेरी स्पीड नहीं थी, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया, इसलिए मेरी रैंक उतनी अच्छी आने पे, जबकि मेरे को आता था सब कुछ, लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाया। उस 2 घंटे में हम जो परफॉर्म करते हैं मेरे लिए वो मैटर करता है, हम मेरे लिए नहीं सबके लिए वही मैटर करता है। तो उस समय मेरा जो रैंक था वो ऑल इंडिया 1500 था, और मुझे एनआईटी चाहिए था, वो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो फिर से मैंने एक साल ड्रॉप का सोचा, और मेरे माइंड में एक और था कि मुझे ऑनलाइन नहीं करना है, मुझे कोर्सेज ऑनलाइन नहीं करना है। हमारे ग्रेजुएशन में भी लैंग्वेजेज मैंने पढ़े हैं बट उतने डिटेल में मेरे को नॉलेज है नहीं। मुझे एक अच्छे रिपोर्टेड एनआईटी से करने का मेरा बिल्कुल हो गया था, मतलब माइंडसेट उसी के साइड चला गया था कि एनआईटी ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, अगर कुछ और मिल रहा है तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। फिर 2021 के लिए मैंने ड्रॉप लिया, उसमें भी एक्चुअली मैं साथ में इंडिपेंडेंट था, घर पे डिपेंडेंसी मेरी नहीं थी, मैं अपनी अर्निंग भी करता था और अपना बाकी जो भी एक्सपेंसेस थे वो मैं बियर करता था खुद से, प्लस भाई और सिस्टर थे उनको भी उनके एक्सपेंसेस वगैरह भी मुझे थोड़ा मैनेज करने पड़ते थे, तो मुझे साथ साथ सब कुछ चीज़ें हैंडल करना था। तो उतना मैं 21 में भी काफ़ी मैंने मेहनत करी, मैं उसके लिए मैं यहाँ पर भोपाल तो नहीं आया था, मैं ऑनलाइन ही जुड़ा हुआ था सर से। उस समय मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया था, लेकिन मैजिकल कैप्सूल कोर्स सर फ्री में चालू करते यूट्यूब पर, उस पर मैं जुड़ा हुआ था, एंड उससे मैंने काफ़ी वीडियोज वगैरह देखे, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिवाइज हुए फिर से। लेकिन लास्ट में प्रॉब्लम्स हो गई, मेरी ऑल इंडिया रैंक 799 थी 2021 में, तो इसमें भी मेरे को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ 2021 में भी। लेकिन क्या कहते हैं, मेरे को एनआईटी ही चाहिए था, बीएचयू में भी मेरा दिया था तो उसमें मेरी 109 रैंक थी, बीएचयू अलॉट हो गया था। और साथ में अगर मैं चाहता तो लखनऊ में रहता था, लखनऊ के पास में कानपुर है, वहाँ पे एचबीटीयू काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे, है ना, बहुत सारे लोग, अगर कॉलेजेस नहीं मिलते एनआईटी में, अगर निमसेट दिया तो उसके रैंक पे एचबीटीयू में एडमिशन मिलता है, वहाँ पे भी मिल जाता, आईपीयू के भी टॉप कॉलेज यूएसआईटी वगैरह मिल जाता, बट मुझे एनआईटी ही जाना था, मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। मैंने फिर एक साल ड्रॉप का सोचा, लेकिन ये 799 रैंक एक ऐसा था ना, मैं मिडिल एज उस पर खड़ा हुआ था, उसमें ना तो ये भी था कि हमें मिलेगा एनआईटी और नहीं मिलेगा, दोनों के चांसेस थे, है ना, मतलब उस समय होप थी कि हाँ हो जाना चाहिए बट हुआ नहीं एंड पे, तो मेरे को मतलब निराशा। मैंने काफ़ी बार कॉल किया जो रजिस्ट्रार होते हैं और जो हेड होते हैं कॉलेज के डीन वगैरह, उनको मैंने कॉल किया कि स्पॉट राउंड कराएंगे कि नहीं, इसके लिए मैं काफ़ी टाइम तक परेशान था, बट एंड में मुझे पता चला कि स्पॉट राउंड कोई करा ही नहीं रहा है। एनआईटी रायपुर जबकि प्रीवियस ईयर्स में कराया था,
उसने भी नहीं कराया। NIT पटना में भी काफ़ी सीट वैकेंट रह गई, और उसमें से भी जब SCU का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे SCU पटना छोड़ के SCU चले गए। तो पटना में शायद 20 स्टूडेंट करेंटली हैं, ज़्यादा है भी नहीं, टोटल 80 सीट थी, लेकिन काफ़ी सीट वैकेंट रह गई। अगर वो मिलता तो मैं ले भी लेता, क्योंकि NIT जाना ड्रीम था। टॉप का बॉटम का उतना मैटर नहीं करता, NIT का टैग होना चाहिए, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है NIT। अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप वहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप ट्रिची में गए, आपको 8 लाख का पैकेज मिल रहा है पूरे साल से, अगर आप रायपुर में हो गए 40 लाख का ले रहे हो तो कौन सा बुरा है ना। तो हमें बस कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हमने कोई अपना गोल सेट किया तो हमें वो अचीव करना है, ये चीज़ थी। उसके बाद फिर 2022 आया, उसके लिए मैं 6 महीने बचे थे, क्योंकि मुझे उस समय 2-3-4 महीने तो उसी में चले गए कि मेरे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्जाम भी लेट हुए थे। फिर 6 महीने तो मैंने कहा 6 महीने का और ड्रॉप कर लेते हैं, और इस बार अब जो भी मैंने गलतियां करी हैं लखनऊ में रहके ऑनलाइन पढ़ के थोड़ा बहुत, और उसके बाद सब कुछ छोड़ के मैं लखनऊ में अपना जॉब वगैरह, मेरा ट्यूशन वगैरह देता था है ना, अर्निंग करता था, 30-40 हज़ार की अर्निंग हो भी जाती थी, तो वो सब छोड़ के मैं फिर से भोपाल आ गया। सब कुछ छोड़ के कुछ और पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसलिए भोपाल के आ गया सर के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सर जो है एक मुकाम पे पहुंचा के ही छोड़ते हैं। अभी अगर यहाँ पे हो तो नेक्स्ट डे यहाँ पे, उसके नेक्स्ट डे आप यहाँ पे होगे, तो वो आपका हमेशा रहता है सर का टारगेट, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सर को फॉलो करते हो कॉन्स्टेंटली, जो भी बोलते सर उसको आप फॉलो करते हो तो देन उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। फिर 2022 का एग्जाम आया, एंट्रेंस दिया मैंने, और इस समय काफ़ी कॉन्फिडेंस था सर के साथ, पूरा 6-7 महीना बीता, मैं नवंबर में आ गया था यहाँ पे। उसके बाद सर से सबसे पहली बार जब मिला तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि सर पॉजिटिविटी के अल्टीमेट सोर्स हैं है ना, सर के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, अगर कितने भी नेगेटिव हो सर के पास आए तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी ही आनी है। आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी नेगेटिव थॉट आ रहे, अगर आप सर के सामने आ गए ना तो सर अगर कुछ बोलेंगे भी नहीं, आप सर को देख के इतने पॉजिटिव हो जाओगे, क्योंकि सर हमेशा हैप्पी रहते हैं, और सर हमेशा हम लोग भी यही सीख देते थे कि हमें हमेशा हैप्पी रहना है और हमें पॉजिटिव तरीके से वर्क करते रहना है, और अगर हम पॉजिटिविटी अपने अंदर रखते हैं तो हम बहुत सारे मुकाम जो आप सोच रहे हो वो आप अचीव कर सकते हो। आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, और वो आप मेहनत करोगे तो आप उसको अचीव कर सकते हो। तो मेरा यही था। अब यहाँ पे मैं क्लासरूम में आया एंड क्लासरूम रेगुलर क्लास अटेंड करता था। यहाँ पे मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, मतलब मैं हॉस्टल प्रेफर करता था पढ़ना, यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था यहाँ पे काफ़ी बच्चे होते थे, वैसे भी आपस में डिस्कशन करना नहीं होता था, आपको सेपरेटली पढ़ना होता था। सुबह 8 से रात के 8 बजे तक का चलता था कोचिंग, मॉर्निंग में क्लास होती थी प्रतीक सर की, उसके बाद आपका सेशन होता था, और बीच में सर की क्लास कभी 10 बजे होती थी, कभी शाम को 5 बजे होती थी, वो फ्लेक्सिबल थी, तो आपको पहले पता होता था। ऑनलाइन स्टूडेंट को भी ये पता होता है कि उनकी क्लास कब है और वो उस हिसाब से अटेंड करते हैं। तो मैं जनरली प्रेफर करता था कि मुझे हॉस्टल पढ़ना है, सर ने मुझे उसमें भी सपोर्ट किया, सर ने बोला ठीक है तुम्हें जहाँ बेटर लगे आप वहाँ पढ़ सकते हो, कोई सर के साइड से कोई प्रेशर नहीं था। सर ये भी बोलते हैं कि ज़्यादा प्रेशर लेने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप प्रेशर लोगे तो आप अच्छा अपना 100% दे नहीं सकते, आप अपना जो आपका गोल है आप उसको अचीव नहीं कर सकते, तो प्रेशर आपको हैंडल करना है। सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, प्रतीक सर के जो कॉन्सेप्ट थे और जो सर ने जितने पढ़ाए थे सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के भी वही आए, और सर हमारे जितने भी मॉक्स देते थे उसमें जितने भी लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब हमारे लेवल से हाई के भी क्वेश्चन थे, और सर के जो टेस्ट सीरीज थे और साथ में जो स्टडी मटेरियल से मिलते थे उसमें जितने भी मटेरियल थे अगर वो देखा जाए तो 2-3 बुक से कॉम्बिनेशन होते थे जो हमारे लेवल के, क्योंकि हमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हम उसी क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं जो हमारे लेवल के हैं, जो 1 और 2 मिनट में बने, मैक्सिमम 2 मिनट बता रहा हूँ, क्योंकि हमें 120 मिनट में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हमारे पास लिए वही सारे क्वेश्चन फेवरेबल हैं जो हमारे कम टाइम में बन जाए। अगर हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो फिर हम अपनी रैंक बिगाड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले साल किया 2021 में 2020 में, और टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाया, जबकि क्वेश्चन आते थे मेरे को टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मेरी रैंक आ नहीं पाई उस समय। फिलहाल 195 रैंक है और मुझे NIT वारंगल मिला है, फिलहाल मैं उसके लिए काफ़ी हैप्पी हूँ, एंड अब आगे जाके सारे NIT वारंगल में बहुत कुछ करना है। देखिए अभी देवेश की स्टोरी से आप कुछ सीख सकते हैं, कई लोग बहुत जिद्दी होते हैं, उन्हीं में से एक देवेश भी है कि जिद्दी मतलब कि NIT ही जाना है, नहीं जाना कहीं और कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, और ऐसा भी नहीं कि उसने एग्जाम नहीं दिया, आपको सारी बातें खुल के बताएं। तो देवेश क्योंकि आपका अलग अलग, और सही बात यही होती है कि कई बार हम अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में या तो मिस्टेक कर देते हैं या सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन या प्रॉपर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होती है, इसलिए ऐसा होता है। पर एनीवे अंत भला तो सब भला बोलते हैं ना, और बोला भी जाता जो होता अच्छे के लिए होता था। अच्छा हुआ कि आपको पिछले साल रायपुर या वो नहीं मिला, मिल जाता तो आप वारंगल जैसे कॉलेज में नहीं जा पाते। जी सर। अच्छा देवेश क्योंकि आपके ड्रीम अलग तरह के, जैसे NIT भी जाने का आपका ड्रीम था, तो आगे आपका क्या विजन है, क्या सोचते हो आप अपने आगे के फ्यूचर को लेकर? जी सर, एक्चुअली में मेरा विजन है MNC ओपन करने का, मल्टीनेशनल कंपनी ओपन करना है। स्टार्ट मुझे इंडिया से करना है, फिर उसको इंटरनेशनली लेके जाना है, ये मेरा लास्ट विजन है। उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई बड़ा गोल सेट करते हैं ना
तो उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स में ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि हम एक साथ गोल पे पहुंच नहीं सकते हैं अगर हम कोई भी बिग गोल सेट करते हैं। लेकिन एक चीज था स्टार्टिंग में, जब मेरे अंदर एक थॉट आया, क्योंकि मेरे पास 3 साल का ड्रॉप था, बहुत सारे टाइम थे मेरे को सोचने के लिए, है ना। मेरा NIT में भले ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी चीजें मैंने स्टडी करी, क्योंकि मैं हमेशा मतलब मेरा था कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप कहीं से भी लर्न कर रहे हो, मैं यूट्यूब की तरफ से कोई पेड कोर्स तो नहीं था, बट बहुत सारी चीजें मैंने यूट्यूब वगैरह से सीखी, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, उससे मुझे काफी चीजें क्लियरिटी हुई कि आगे हम MCA करके या फिर हम लोग टेक्निकल राउंड में जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। सबका ये होता है कि हाँ हमें जॉब करना है ना, एम्प्लॉय बनना है, बट मुझे एम्प्लॉय बनना है स्टार्टिंग में, बट क्योंकि एम्प्लॉय बनकर हम ये जान सकते हैं कि हम एम्प्लॉय कैसे वर्क करते हैं और कोई भी कंपनी कैसे वर्क करती है, मुझे ये सीखने को मिलेगा। फिर मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, क्योंकि एम्प्लॉय तो सब लोग बनते हैं, अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें तो बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकते हैं उस चीज के बाद। लेकिन ये एक ड्रीम बहुत बड़ा था, है ना। कभी कभी ऐसे डाउट भी आता था कि अगर मैं कंप्लीट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर ये भी एक क्वेश्चन था, एक थॉट था कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप कोई चीज ड्रीम कर सकते हो तो आप उसको कर भी सकते हो। लेकिन मतलब मेरा बिलीफ है कि अगर आप कोई भी सपने जो है वो सोते हुए देखते हो ना, रात में सोने के बाद देखते हो, तो सोने के बाद के जो सपने होते हैं वो उठने से पहले खत्म भी हो जाते हैं। आपके सोने के बाद के सपने सारे उठने से पहले वैनिश हो जाते हैं। इसलिए आपके जो ड्रीम होने चाहिए या विजन होने चाहिए वो खुली आंखों से देखे हुए होने चाहिए। अगर आप खुली आंखों से कोई विजन देखते हो तो वो आपके लिए बेटर होता है। तो मेरा सपना है MNC ओपन करने का, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, मुझे एक टीम भी बिल्डअप करनी पड़ेगी, और एक टीम, अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके विजन्स बड़े हैं तो आप अकेले नहीं, आपको अगर हिस्ट्री रचनी है तो आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो मेरे को हिस्ट्री रखनी है, और मैं भगवान ने मुझे यहाँ पे भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, और कुछ मुझे बहुत ही बड़ा करना है, और उसके लिए मुझे एक पूरी टीम की जरूरत है, वो टीम जो मेरा हमेशा सपोर्ट करे और मेरे साथ चले कदम से कदम मिला के। मुझे आगे जाके अगर मैं कंपनी ओपन भी करता हूँ तो मुझे बॉस नहीं बनना है, मुझे लीडर बनना है, मुझे सबके साथ चलना है। और अपने टीम बिल्डअप के लिए मुझे काफी उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है अच्छी टीम मिलना बहुत टाइम लगता है, उसके लिए हमें बहुत सारे रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं बट हम सबको अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते, बट एक अच्छी टीम बिल्डअप का मेरा है पूरा। एंड देन आगे इसके बेसिस पे हम आगे बहुत सारी चीजें करेंगे एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, क्योंकि जरूरी है। हम सिर्फ जॉब अगर लेते हैं तो उसके लिए अलग से सारे बहुत सारे कंपनीज हैं, हमें जॉब मिलती है, लेकिन हम अगर खुद से जॉब जनरेट करते हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब की तलाश होती है, अगर कंपनीज नहीं बढ़ेंगी तो फिर जॉब के जो ऑप्शन है वो कम होते जाएंगे। फिलहाल IT सेक्टर बूम पे है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आजकल AI ML भी काफी आगे जा रहा है, तो हम उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए, देवेश ने एक बात बोली, मैं आपको सभी को जो सुन रहे हैं और आपको ही बोलूंगा। जी सर, जो नॉर्मली IITians होते हैं, NITians होते हैं, IIM के बच्चे होते हैं, टॉप बी स्कूल से MBA की होते हैं, मैक्सिमम बच्चे अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। जी सर, और जो करते हैं, बहुत सारी स्टार्टअप स्टार्ट होती हैं, जैसे बैंगलोर में हम देखें तो हर हफ्ते 100 कंपनी स्टार्ट होती है और 95 बंद हो जाती है। वो बंद इसलिए होती है क्योंकि कई लोग स्टार्ट तो कर देते हैं पर उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अभी आपने एक अच्छी बात बोल दी, नहीं तो बोलता, सबसे पहले अगर हमें कोई काम करना है तो हमें पहले उस, मान लो आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्यून क्या काम करता है, क्लर्क क्या काम करता है। यानी आपको जब तक आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करोगे, जब तक आप चीजें, जैसे आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो उस फील्ड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो लोग जो लोग एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा आपने ना, तो उसके दोनों डायरेक्टर पहले कहां थे, अमेजोन में थे, फिर फ्लिपकार्ट में जो है वो नई कंपनी करेंगे, फिर नई कंपनी, तो उनकी कंपनी चलना तय है। तो वैसे ही मैं आप सबको बोलूंगा, बहुत बच्चों का ड्रीम होता है पर उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड की आपको जीरो से लेकर टॉप तक पहले नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपने बोला टीम चाहिए, टीम कहाँ से लाओगे, जब अच्छी कंपनी में होगे तो चार अच्छे लोग और मिलेंगे। अभी आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपका सपना ऐसा पूरा हो, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।